आप है अपने जीवन गाथा के नायक, लेकिन आपकी कथा में एक छोटी सी कमी है खलनायक की। अधिकतम लोगों के जीवन में खलनायक होता ही नहीं, और यदि होता है तो बाहर, जैसे कि विद्यार्थी अपने अध्यापकों में खलनायक को देखते हैं, इसी प्रकार से कर्मचारी अपने बॉस में खलनायक को देखते हैं। हम सदा ही बाहर खलनायक को देखते हैं, भीतर कदापि नहीं। और ये है आज का प्रयोग, अपने प्रतिद्वंदी को अपने भीतर देखें। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा के भांति सृजन करें अपने खलनायक का। ये खलनायक बिल्कुल आपका क्लोन होगा, लेकिन ये सर्वगुण संपन्न है। ये वो सारे कार्य करता है जो आप करना चाहते हैं, जो आप सदा से करना चाहते थे। अपने खलनायक को रचने के लिए एक कागज लें और लिखें उसके गुण। कम से कम अपने खलनायक को 25 गुण दें, वो सभी गुण जो आप अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका खलनायक बलवान है, सुडौल है, वो प्रतिदिन कसरत करता है, स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाता है, जंक फूड नहीं खाता, समय पे सोता है, धूम्रपान नहीं करता, मदिरापान नहीं करता। आपका खलनायक बुद्धिमान है, वो अपनी बुद्धि को तेज रखने के लिए शतरंज खेलता है। आपका खलनायक धनवान है, वो नौकरी के साथ साथ और छोटे मोटे कार्य करता है, काम करता है, साइड हसल, ऑनलाइन व्यापार करता है इत्यादि। आपका खलनायक निर्भय है, वो जब भी किसी सुंदरी को देखता है उससे संपर्क बनाने की कोशिश करता है इत्यादि। इस प्रकार से एक फेरिश्त बनाए, गुण दें, अपना खलनायक निर्मित करें, और अपना खलनायक और अपने खलनायक की रचना के बाद इसकी छवि सदा ही अपनी मन में जमा के रखें। आपका मुकाबला है इस खलनायक से, आपका मुकाबला है अपने सर्वोच्च संस्करण से, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अब हर परिस्थिति में आपको इसकी छवि नजर आएगी। उदाहरण के तौर पे आप सुबह उठते हैं, आपका व्यायाम करने का मन नहीं, तभी इस खलनायक की छवि आपके मन में आएगी, क्योंकि वो कसरत कर रहा है। आपके भीतर सिगरेट सुलगाने की तलब बजती है, तभी उस खलनायक का प्रतिबिंब आपके भीतर बनता है, क्योंकि वो सिगरेट नहीं पी रहा, वो पानी पी रहा है। इसी प्रकार से परिस्थिति अनुसार, समय एवं स्थान अनुसार आपका खलनायक आपको प्रेरित करेगा, आपको उकसाएगा, भड़काएगा सही कार्य करने के लिए। ये आपके भीतर सदा ही अंतर प्रेरणा जगाएगा।